नमस्कार। तेजी से सेक्स पावर बढ़ाने के लिए आज ही शुरू कर दे खाना ये 6 चीज़ें, आपकी थकान और कमजोरी भी दूर हो जाएगी। तो आइए इसके बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लैंगिक कठोरता नहीं आना या लैंगिक कमजोरी होना बहुत आम बात हो गई है। खराब डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, भागदौड़ी का जीवन, इससे तो थकान और कमजोरी सभी को आ रही है। इम्यूनिटी लोगों की कम हो रही है और साथ ही लोगों को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन अर्थात शीघ्र पतन का भी शिकार होना पड़ता है। उसके भी वो लोग शिकार हो जाते हैं। जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन आता है, मतलब लैंगिक टाइटनेस नहीं आता, कठोरता नहीं आती और शीघ्र पतन भी हो रहा है, तो लोग बहुत ही बेचैन हो जाते हैं। लोगों को अपमान लगता है कि भाई इंसल्ट हो गया, औरत के सामने जाने के लिए उनका दिल नहीं करता। फिर यदि औरत उसको सेक्स चाहिए और आप सेक्स नहीं कर पा रहे तो वो भी चिड़चिड़ करती, फिर झगड़ा झंझट चालू हो जाता है। और इन जनरल सभी ऐसा भी कुछ नहीं हुआ तभी हर एक को ऐसा लगता है कि अपन परिपूर्ण नहीं है, कि अपन सेक्स नहीं कर रहे मतलब मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, मैं कोई पुरुष नहीं हूँ क्योंकि मेरे में कमजोरी है, या मैं जल्दी मेरा स्खलन हो जाता है और मैं जल्दी मतलब निकल जाता है मेरा और मैं जल्दी ठंडा हो जाता हूँ। तो ऐसे ही इसमें लोगों को बहुत ही इंसल्ट हो जाता है या बुरा लगता है, डिप्रेस हो जाते हैं और कुछ कुछ लोग आत्महत्या करने को भी तैयार हो जाते हैं, आत्महत्या के विचार आते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी कंसल्टेशन होता है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स की टीम है, वो हिस्ट्री लेते हैं, मेरे से बात करते हैं, फिर हम दवाइयाँ भेजते हैं, उनको वीडियो कॉल ऑडियो कॉल होता है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको है ना इससे एलोपैथी दवाई जो लेते हैं जैसा वायग्रा है, मतलब सिल्डेनाफिल है जो 50 और 100 मिलीग्राम की गोली है, आजकल 25 की भी आती है, 25, 50, 100। फिर कुछ लोग टाडालाफिल लेते हैं, फिर टाडालाफिल में भी 2.5, 5, 10 और 20 मिलीग्राम की गोली है। वर्धनाफिल है 10 और 20। एवेनाफिल है, मतलब ऐसे अलग अलग एलोपैथी की दवाइयां हैं। इसके साथ साथ लोग ऐसा चाहते कि नहीं मेरे को है ना एलोपैथी नहीं होना, तो आपको मालूम होना चाहिए आयुर्वेदिक दवाई कौन सी है या घरेलू उपचार कौन से। तो मैं ऐसी आपको 6 दवाइयां बता रहा हूँ कि जो आप खाते हैं, दवाइयां बोलो या चीज़ें बोलो, जो आप खाते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें नंबर एक मैं एक पहला स्थान दूंगा इसमें, वो है चॉकलेट को। चॉकलेट यदि आप खाते हैं शाम को तो ये एक प्लेजर केमिकल रिलीज करता है, अमाइनो एसिड्स अच्छे रिलीज हो जाते हैं, डोपामिन का एक शॉट भी मिल जाता है। तो आप यदि चॉकलेट खाते हैं तो मैं पहला नंबर दूंगा चॉकलेट को आज के सेशन में, कि भाई आप चॉकलेट खाना शुरू करो। अर्थात आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं तो वजन भी बढ़ेगा और कैलोरीज बहुत ज़्यादा जाती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। नंबर दो है सफ़ेद छोले। सफ़ेद छोले जो है उसमें फाइटोइस्ट्रोजन है जो सेक्स ड्राइव और सेंसेशन बढ़ाता है। तो सफ़ेद छोले का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और सफ़ेद छोले को उबाल कर उसका सलाद बनाओ, नमक, नींबू, मिर्ची, मसाला ऐसा सब डाल के उसको लेते हैं तो एक अच्छा सलाद बन जाता है, या फिर आप छोले मसाला छोले करते हैं या सब्जी बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो सफ़ेद छोले, इसमें एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत है, विटामिन ए, विटामिन सी जो है उससे खून जो है वो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा होता है और इसमें टाइटनेस में भी बहुत अच्छा फर्क पड़ जाता है। फिर तीसरा नंबर मैं दूंगा मछली को। मछली तो मैग्नीशियम का भंडार है, उससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, फिर अमाइनो एसिड्स रहते हैं और उसमें मतलब सभी तरह की विटामिन्स है, प्रोटीन्स है। तो मछली यानी जो नॉन वेजिटेरियन है उनको तो मैं पहले बोलता हूँ कि आप मछली खाना चालू करो। अर्थात मैं वेजिटेरियन हूँ मगर मैं नॉन वेज वालों को बोलता हूँ कि नहीं मछली खाना चालू कर दो, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो मछली, सभी तरह की मछली आप खा सकते हैं। नंबर 4 मैं दूंगा तरबूज, वाटरमेलन। उसमें एल सिट्रुलिन का भंडार है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें लाइकोपेन है और बीटा कैरोटीन है। इससे क्या होता है कि इससे बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन बढ़ जाता है लिंग में या बॉडी में भी, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा बढ़ता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल, जो एक्चुअली नाइट्रिक ऑक्साइड लिंग की कठोरता में काम में आता है, उसका लेवल बढ़ जाता है और उससे बहुत फ़ायदा होता है। तरबूज वैसा हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है।
तरबूज में 91% पानी रहता है, उसमें कोई कैलोरी वैल्यू नहीं है, मतलब आप कितना भी खाए तो भी आपको वजन नहीं बढ़ेगा। तो तरबूज खाना चालू कर दो आज से। तरबूज से स्ट्रेस लेवल जो है ना, तनाव, वो बहुत कम हो जाता है, रिलैक्स महसूस होता है, और तनाव कम हो गया तो सेक्स भी अच्छा हो जाएगा। तो चौथा है तरबूज। फिर पांचवा जो नाम दूंगा मैं वो है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज को आप शहद के साथ में ले सकते हैं, एक दो चम्मच शहद लेना उसके साथ में, तो डोपामिन और एड्रेनलिन इसमें बढ़ जाता है, और डोपामिन एड्रेनलिन बढ़ने से सेक्स की इच्छा बहुत अच्छी बढ़ जाती है, सेंसेशन अच्छा हो जाता है, सेक्स ड्राइव भी अच्छी हो जाती है, और इरेक्शन में उसका फायदा होता है। और छठवां है अश्वगंधा। ये आयुर्वेदिक गुणकारी दवाई है, बहुत ही बढ़िया है, इसका सेवन करना, ध्यान से सुन लो, इसका सेवन ऐसा है कि आधा चम्मच अश्वगंधा की पाउडर ले लो, आधा चम्मच, और उसमें एक कप बकरी का दूध मिलाओ, और वो आप गर्म करके लेते हैं शाम को, तो उसके बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। आप 4 से 6 हफ्ते ये 6 चीज़ों ले लो, 6 भी चीज़ें जो है वो 4 से 6 हफ्ते खाने का है आपको, जो मैं बोल रहा हूँ वैसा, और देखिएगा आपको कितना फ़र्क पड़ता है। आपको फ़र्क पड़ा तो बहुत अच्छा है, शेयर करो, आपके कमेंट्स जो है वो मुझे फीडबैक में अच्छे मिलेंगे कि भाई, मतलब अच्छे होंगे कि जो कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हो गया। तो ये 6 चीज़ों का नाम मैं फिर से दे रहा हूँ, एक है चॉकलेट, नंबर 2 है सफ़ेद छोले, नंबर 3 मछली, नंबर 4 तरबूज, नंबर 5 ब्लूबेरीज, और नंबर 6 अश्वगंधा। ये 6 चीज़ें खाएं, डेफिनेटली आपकी कमजोरी दूर होंगी, थकान दूर होंगी, स्ट्रेस लेवल कम होगी, और आपको सेक्स ड्राइव में, सेंसेशन में, लैंगिक कठोरता में, शीघ्रपतन में, सभी जगह इसका फायदा होने वाला है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। आज हमारे देश में करोड़ों लोग सेक्स प्रॉब्लम से परेशान हैं, उनको जरूर फायदा हो जाएगा। लाइक करो, शेयर करो, आप आपका ख्याल रखो, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।